ये क्या पागल बना हेलमेट पहन के बैठे, क्या नाटकी चलती रहती तुम लोगों की। सो नहीं सकते टाइम से, क्या हेलमेट के पहन के रखा है हाथ में। पागलती हो रात भर में, भूम भाम भाम ऐसे लगता पता नहीं बमबारी हो रही है कहाँ पर। तो इसके डर की वजह से ये लगा कर बैठे। मैंने नहीं किया। अब तुम उधर चली जाओ, ठीक है। मैं नहीं जा रही, मैं यही बैठूंगी, यही फैलूंगी, मैं फसरूंगी यहीं पे। ज्यादा बोल रहा है ये। ओ पागल हम भी हैं। तुम पादरी हो, तुम पादरी हो। तुम बता क्या चला, तू बता। उसने पादरी में फांसी आ रही है, दम घुट रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अभी अभी हम आ रहे हैं शादी से। एक प्रैंक मैं शादी में कर चुका हूं जो कि आप देखेंगे कल। तो फ्रेंड्स मतलब जब तक आप ये वाला प्रैंक देखोगे ना तब तक वो वाला प्रैंक आ चुका होगा, तो उस वाले प्रैंक को भी देख लेना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज का जो प्रैंक है जो अभी करने वाले हैं, रंजना शादी पार्टी में दवा कर खाकर आई है, आते आते कह रही थी कि मेरे पेट में ग्लो ग्लो हो रही है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी वो किचन में गई है नींबू अपना सोडा लेने पीने के लिए, तो मैंने सोचा यही प्रैंक करते हैं कि भाई कि तू पादती है इसलिए हमें बदबू की वजह से मैं हेलमेट पहनूंगा और डुग्गू लगाएगा मास्क। तो देखते हैं उसके रिएक्शन क्या होते हैं। परेशान करने वाले भाई, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे वीडियो के एंड में, और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, ठीक है। A few moments later. ये क्या पागल बना हेलमेट पहन के बैठे, क्या नाटकी चलती रहती तुम लोगों की। सो नहीं सकते टाइम से, क्या हेलमेट के पहन के रखा है हाथ में। मम्मी बारात में इतना खा आई है, इसलिए हमें ना बदबू आ रही है, इसलिए हमने मास्क पहन रखा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ज्यादा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। एक झापड़ पड़ेगा, चुपचाप बैठ। ये तुम क्यों पी रहे हो नींबू सोडा, बताओ ना। अरे इतना सब खाया है, डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन तो इसके डर की वजह से हम भी ये लगा कर बैठे। पादती हो रात भर में, भूम भाम भाम ऐसे लगता है पता नहीं बमबारी हो रही है कहाँ पर। बमबारी हो रही है, मिलिट्री बेस में पत्थरबाजी हो रही है। पागल हो गए हो क्या दोनों के दोनों। ऐसे कौन हेलमेट लगा के बैठता है, और तुम ये कौन मार। अरे इसको अभी ढकूंगा मैं, बदबू नहीं आएगी। मैं इतना गंदा वाला करती हूँ क्या कि तुम लोगों को ये पहनने की जरूरत पड़ गई। गंदा वाला करती हो, तुम्हारा पाद क्या खुशबूदार होता है, सुंदर होता है। नहीं इतना भी नहीं करती, ठीक है, बदनाम मत करो फालतू में। इतना भी नहीं, क्या कि इतना भी हो तो भी वो बदबू वाला ही होता है। नेचुरल सी चीज है यार, बाहर का थोड़ा बहुत खाएंगे तो होगा। पहले ये बताओ, नीचे लॉक लगाने गई थी कि नहीं गई थी। हाँ लगा दिया। बदबू आ रही है डुग्गू, अभी से पाद में लगी तेरी मम्मी। ये खाना नहीं है, इसमें सारी काले नमक की। तुम जाओ यार, कहीं और सो जाओ। ऐसे लग रही कि मम्मी ला कोरोना वायरस के पाप है। ऐसे लग रहा है तुम छोटंके से कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। कहीं और सो जाओ तुम, सच में बता रहे हो। नंबर 1 की पदौड़ी हो इस। अगर भारत की सबसे नंबर 1 पदौड़ी औरत का खिताब दिया जाएगा ना तो तुम्हें ही मिलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। तो मैं खुशी से ले लूंगी, ठीक है। अगर आप दिमाग खराब करके रख दिया है। अगर आप पाद कंपटीशन में जाओगे ना तो आपको अवार्ड मिलेगा। अरे पाद कंपटीशन में कि रॉकेट की जरूरत नहीं है, इतने पाद के रॉकेट छोड़ती हो तुम, गजब बेइज्जती है। अरे दाएं रॉकेट लॉन्चर। मम्मी ना रॉकेट तो इतना बोल रही हो, बच्चे को भी बुलवा रहे, शर्म नहीं आ रही है तुमको। नहीं मुझे शर्मानी चाहिए और क्या। छोड़ो मेरे हेलमेट में बदबू आएगी, अभी तू करेगी पाद। डकार मारती है, पाद भी संग में मारती है, पता नहीं क्या आ जाती है। तो क्या हुआ, नॉर्मल चीज है, आ जाती है। तो इतना मत खाया करना, जब इतना देख ले। अभी टप्पा डकार लिए डुगू पा देगी। अब वो पिया है तो उसको पीछे डकार नहीं आएगी। नंबर 1 की पतौड़ी बदनाम मत। अच्छा एक बात होता, तुम लोगों ने ठूस के आए हो। हाँ और छोटांके तेरी तो बहुत छोटी छोटी वाली मिसाइलें निकलती है ना। हाँ है, मुझे पता नहीं है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल ये मुंह पे और तुम तो बड़े बड़े वाले वो होते ना मिसाइलें, वो छोड़ते हो रात में। अपने आप को तो दोनों बहुत शरीफ समझ रहे, जैसे हम तो करते नहीं है। उसने खाना खाया, वो खेला वहां पर, पचाया। मैंने खाया, मैंने पहले ही आधी बियर पी थी, उससे डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तुम्हारी तरह नहीं, हमारे तो सिर्फ ऐसे होते। अरे बेटा, और तुम्हारे होता चुप हो यार, नीचे कर इसे। दोनों को शर्म नहीं आती है। तुम जाओ यार यहाँ से। यार कहाँ जाऊंगा, हमारे रूम में रात में जा करके। ठीक है तो हम चले जाते हैं, अलग बैठ जाते हैं। तुम सो जाओ, तू आ जा यहाँ पे, पादरिया यहाँ पे चूस के आई है। कल स्कूल जाना है, उसको सोने दो यहाँ पे। ए मोहन चलो सो सो। तो ये वाले बदबू आ रही है ना, मैंने तो किया ही नहीं, बदबू कैसे आ गई? हेलमेट पहना आ रही है बदबू, तुम्हारे दिमाग में बदबू घुसी हुई है, ठीक है। मैं तो आ रही है भाई, मैं तो आ रही है। चप्पल में क्या पता, चप्पल को भी बदबू आ रही है, इसलिए चप्पल को भी मास्क पहना देता हूं। पागल इधर हुआ, कैसे बातें करते गंदी संदी, खुद ने कर रखे होंगे अपने, उन्हीं में से ना वो हवा के झोंके निकल रहे होंगे, इसीलिए खुद को आ रही होगी। मैंने नहीं की है। अब तुम उधर चली जाओ, ठीक है। मैं नहीं जा रही, नहीं जा रही, मैं यहीं बैठूंगी, यहीं फैलूंगी, मैं पसरूंगी यहीं पे। अरे बाबा, वाह दीदी, वाह दीदी। हमें तो थोड़ा दूर उधर हो जाओ, जहाँ पे तुम सोती हो वहाँ पे सो, हमारे पास मत सो। नहीं जा रही, सफाई कर दो ना बेटा, औकात मेरे। सही बोल रहा है डब्बू, जो भी बोल रहा है सही बोलता है वो। बहुत ज्यादा तुम लोग बोल रहे, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। डुग्गू भी कह रहा था पापा, मैंने स्कूल में पूछा था अपने दोस्तों से। डुग्गू कह रहा था, मैंने अपने स्कूल में पूछा था दोस्तों से कि तेरी मम्मी भी इतना पाती है क्या? तेरी मम्मी भी इतना पाती है? वो कह रहा किसी की मम्मी इतना नहीं पाती है जितनी मम्मी जिस दिन छोले भटूरे खा ले उस दिन तो। हाँ, स्कूल में कोई ऐसी फालतू की बात नहीं करता, ठीक है। उसके स्कूल में वो पढ़ाई करने आता है फालतू। स्कूल के दोस्त मारूंगा तुम सब, ये सब बात करते तुम स्कूल में, इधर की बात करते हैं, स्कूल में पढ़ने आते हैं। कल स्कूल चलूंगी, मैडम से शिकायत करूंगी तेरी, समझ लेना। अरे भैया के स्कूल में अभी चले जाओ तुम, ऐसा करो अभी चली जाओ स्कूल, नहीं अभी चले जाओ है, कम से कम हमें तुम्हारी पाद की बदबू से छुटकारा मिल जाएगा। मैंने एक अब के मैं कंट्रोल करने, मैंने घर जाना है। आ रहा है, देख ले आ रहा है। हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं। अगर मम्मी रात को स्कूल पे चली जाएंगी तो पानी तो लिक्विड होता है, पाद की बदबू तो लिक्विड भी नहीं होता, तो यहाँ पे ही रह जाएगा। हाँ देखो कितनी साइंटिफिक बात की है उसने, साइंटिफिक। तुम जैसे आदमी ने पागल बच्चे को भी अपनी तरह बना दो पागल। तुम अगर रोक ही रहो, उल्टी सीधी फालतू की चीज बोलते हो, उससे भी बुलवा रहे हो। ऐसे ही रोक ही रखना यार, तो हम सो जाए, आ जाए बेड पे। रोक ही रहूंगी तो पेट नहीं खराब हो जाएगा मेरा। मम्मी जब आए तब बाहर चली जाना यार, मैं क्या आधी रात में उठ के बाहर जाऊंगी? तुम तो चलो बहुत जाते बाहर, अभी रात में तुम जैसे लेटोगे ना तुम्हारी मसाले शुरू हो जाएंगे दर्द से, ठीक है। वो छोटा पैकेट बेटा, तुम तो बहुत जल्द तुम्हारे निकलते हैं, ठीक है ना? मसाले हैं तुम्हारे तो, परमाणु बम में, परमाणु बम्ब। मस्त जोक मारा रे। मम्मी आप एक काम करो, आप चटाई लेके वहां बाहर सो जाओ। हां सही कह रहा है डियर डुग्गू, आज तो मस्त वाली हवा भी चल रही है। आपने एक बार भी पानी लिया ना तो पानी जैसे लिक्विड होता है ना। चुप हो जा, बहुत पिटेगा, बता रही हूं, चुप करवा लो। आज ने सिर्फ मेरा दिमाग का दही कर दिया। पानी लिक्विड होता है और जो पाद होता है वो लिक्विड होता ही नहीं, तो यहाँ पे बदबू फैल जाएगी। इससे पहले कि आप चले जाओ, सो जाओ भैया, सो जाओ यार। इतना बच्चे के सामने कूट नहीं दो, बता लो कूट दूंगी, शर्म करो। तो काहे इतना खाती हो, जब इतना पादती हो तो कम खाया करो ना। कभी खाया ना पूरी मेरा ना हलवा भी रह गया, पाइनएप्पल वाला, तुम्हारे चक्कर में पाइनएप्पल हलवा रह गया और 3 रसगुल्ले ठूसे पूरी। नहीं खाती मैं, ठीक है, झूठ मत बोलो। मेरी प्लेट में सिर्फ क्या रखा हुआ था, मेरी प्लेट में सिर्फ रोटी रखी हुई थी, तुम्हारी प्लेट में मैंने किया भी नहीं। तुम रोक रही हो, कह तो रही हो, थोड़ी बहुत तो हो रही होगी ना बदबू। नहीं करी यार मैंने, ऐसी पदौड़ी बीवी किसी को न दे भगवान, ऐसी पदौड़ी बीवी किसी को न दे भगवान, जिंदगी झंड हो गई बदबू का मार। अरे नहीं करते ना, मेरा पेट सही रहता, मैं नहीं करती, मेरे को फालतू करते। वो तो मैं डाइजेशन के लिए पिया था कि कोई पेट में प्रॉब्लम ना हो। मम्मी कभी तो खुशबू ला दिया करो। बहुत इंटरटेन कर, मैं मम्मा लोगों को बता रही हूं। अरे यार तू बार-बार मेरे का चेहरा दिखाएगा नहीं दिखाएगा है कि बार-बार चेहरा दिखाएगा? किसको दिखाना चेहरा? कहाँ किसको? अरे मतलब तुमको। मुझे क्या चेहरा दिखाना, मैं तो रोज देखती हूँ चेहरा। मुझे अरे बार बार मुंह छुपा रहा है, मैंने चेहरा दिखाया नहीं। कोई बात बेटा, प्यारी समझ गई। अरे तू जा रही है, हद से ज्यादा बोल रहा है ये, बहुत ज्यादा ओवर बोल रहा है। ओ पागल हो, ओ पागल हो मेरा बेटा, ओ पागल मत, तुम पागल मत, हम नहीं है, तुम पादरी हो, तुम पादरी हो, तुम हमें बता क्या चला, तू बता। फ्रैंक चल रहा है ना? फ्रैंक चल रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, तेरे मुझे पता है दुगु उसने पार दिया, मुझे खांसी आ रही है, दुगु पार दिया उसने, पार दिया, मेरा दम घुट रहा है। क्यों उसके काले पर दिखा रहे, ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। नहीं यार इतना जहरीला पादती हो यार। फिर क्या चेहरा बन लिया? हाँ चेहरा दिखाने के बाद क्या थी, चेहरा दिखाने किसको दिखाना चाह? कैमरा लगा रखा है, तुम लोग प्रैंक कर रहे हो। समझ गए समझ गए। अरे छोटा पैकेट, मुझे पता है तू प्रैंक कर रहा है, प्रैंक कर रहा है। पदौड़ी तू पदौड़ा नहीं है, तू पदौड़ा नहीं है, तू पदौड़ा नहीं है, पदौड़ी मम्मी। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। पदौड़ी बीवी के कहर से पति हेलमेट पहन के सोया, ये टाइटल रखेंगे या कुछ और रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।